के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं अपनी बाइक को एक सुपीरियर क्लीन लुक देना, मतलब जो कंपनी की लुक आती है, तो वो आप कैसे दे सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ पार्ट्स की और कुछ सामान की, जो कि कुछ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इस तरीके के रबिंग पैड की, बाइक की वैक्स की और एक ड्रिल मशीन की, साथ ही में एक क्लीन क्लॉथ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको करना क्या है, इस पैड को इस ड्रिल मशीन पे फिट करके यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस ड्रिल मशीन में फिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी बाइक को सबसे पहले अच्छे तरीके से क्लॉथ से साफ करना पड़ेगा, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अपनी बाइक को पहले अच्छे तरीके से धो लें और उसके बाद उसे साफ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। कुछ रेडी है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमारी वैक्स है वैक्स को लूँगा। आप डिफरेंट 3M या फिर हमारी फॉर्मूला 1 या किसी और कंपनी की वैक्स को यूज़ कर सकते हैं। इस वैक्स के अंदर स्पंज को डुबोइए थोड़ा सा, और उसके बाद जो आपकी बाइक का जिस भी पोर्शन को आप क्लीन लुक देना चाहते हैं उसका यूज करके, स्पंज का यूज़ करके, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने इसको कर दिया, इसके बाद में इस ड्रिल मशीन और इस पैड का यूज़ करके इसको साफ करूँगा, और साथ ही मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको आप थोड़ी देर सूखने दीजिए, एक बेस्ट रिजल्ट। तो दोस्तों यहाँ तक मेरा मानना है कि सुबह इसके बाद हम चलते थे रबिंग की तरफ। लेती है, और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर कुछ ऐसे पार्ट्स हों जहाँ पर आप उस पैड को ना यूज़ कर सकें, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप वैक्स को लगा कर छोड़ दीजिए, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको किसी कपड़े से साफ कर लें, सूत किसी सूती कपड़े से उसे साफ कर लें। इससे बेस्ट कोई शायद के लिए नहीं है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और हैं मार्केट में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और नई वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पे। गुड बाय।